हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे ढूंढेंगे व अपना वोटर स्लिप कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इससे पता कर सके हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप किसी का भी नाम के आधार से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब के रेड कलर का बटन दिखेगा, उसमें आप क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल की घंटी को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हम जब भी नई से नई इस वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को देख पाएँ। ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप गूगल में सर्च कीजिए CEO छत्तीसगढ़। ठीक है, CEO छत्तीसगढ़ के बाद ये देखिए CEO छत्तीसगढ़, इस पर क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका ये इस तरह से होम पेज आएगा। इस होम पेज में आपको इधर ये देखिए सर्च यूअर नेम इन इलेक्टर रोल, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से मंगेगा, इसमें ओके कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ इस तरह से चार टाइप हैं, चार तरह से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम निवास के आधार पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ विधानसभा के आधार पर हम सर्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ईपिक नंबर है तो आप ईपिक नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो हमें अगर किसी के नाम का दूसरे का देखना है, ठीक है दोस्तों, तो उसका ईपिक नंबर हमें याद नहीं रहता तो हम ये विधानसभा के आधार पर सर्च कर उसका निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आपको चयन करना है विधानसभा, आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हैं अपना विधानसभा सर्च कर लीजिए। जैसे मेरा 29 है बिल्हा, मैं यहाँ अपना बिल्हा चयन कर लिया। अब यहाँ नाम डालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अपना नाम डाल दिया। अब यहाँ पे कैप्चा टाइप कर दीजिए, जो लिखा हुआ है ऊपर उसको उसके जस्ट नीचे टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ सर्च नेम इनरोल में क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कैप्चा मिलान नहीं हुआ था, गलत था, इसलिए वैसा बोला। ठीक है, चलिए एक बार फिर से ये रहा, चलिए इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जितने भी उस विधानसभा के अंतर्गत है वो आ जाएंगे। ये देखिए कुल 9 रिकॉर्ड प्राप्त हुए, मतलब इस नाम से 9 है। अब इसमें आप देख सकते हैं, ये रहा ये वोटर स्लिप है, ये भाग संख्या है। ठीक है, अब भाग संख्या हर मतदान केंद्र का अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा 38 है, 38 वाला है। अब यहाँ वोटर स्लिप पे क्लिक करेंगे तो वोटर स्लिप निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, ये इस तरह से वोटर लिस्ट निकल जाएगा, आप किसी का भी देख सकते हैं और यहाँ ग्राम का नाम भी आप कंफर्म कर सकते हैं भाग संख्या के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति का पूरे छत्तीसगढ़ में नाम ढूंढ सकते हैं, उसका एपिक नंबर इधर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।